नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत बड़ा सेशन आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, बहुत बड़ा इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके हुए लाते हुए, साथ में ही कि आपके जो आगामी महीने हैं जिनमें RO AR O की अभी वैकेंसी आने वाली, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर RO AR O की वैकेंसी कब आ रही है, उसके लिए मैं इनिशियल में ही इतना स्टेटमेंट दे दे रहा हूँ कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में इसके अंदर ही आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको विज्ञापन का इंतजार नहीं करना है, इतना मैं आपको बता दूं, शायद इस बार समय बहुत कम मिले लेकिन वैकेंसी बहुत अच्छी है और इस बार बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि जो ओ लेवल की समकक्षता थी उसका पूरा पैटर्न बदल गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है और आपके सामने बहुत जल्दी वैकेंसी भी आ जाएगी। लेकिन इस सेशन में मैं आपको इस इन्फॉर्मेशन के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़, जैसा आपके थंबनेल में देख लिया होगा कि वर्ष 2010 से लेकर और वर्ष 2021 तक देखा जाए, 21 का हालांकि भी पैटर्न तो मतलब कट ऑफ नहीं आया है, बट 2010 से लेकर और 2016 का अभी री एग्ज़ाम जो हुआ था उसका मेंस का जो कट ऑफ अभी कल परसों में आया हुआ है, तो उसके संबंधित इस वीडियो को मैं लेके आया हूँ। और एक जब आप सिविल सर्विसेज परीक्षा या उससे संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी करते हो तो एक ट्रेंड एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो बड़ी परीक्षाएँ होती हैं उनमें ट्रेंड लगातार फॉलो करता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आते नहीं हैं। तो अगर ये आप ट्रेंड पकड़ लिए प्लस आपको एक आइडिया लग गया कि अब जो पूछा जाना है वो क्या पूछा जाना है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। एक बात आप समझिएगा कि जो सिविल सेवा क्षेत्र है ये थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे आसान होता है, क्योंकि सारे लोग अप्लाई नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरे लोग, सब लोग उस लेवल की तैयारी नहीं करते। हालांकि अगर इसकी तैयारी बहुत रणनीतिक तरीके से किया जाए तो बहुत आसान है, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा रणनीतिक तरीके से। अगर आपको ये लगे कि मैं ज्ञान के बदौलत इस परीक्षा को उत्तीर्ण करूंगा तो RO AR O परीक्षा आपके लिए नहीं है, फिर आप जाओ सिविल सर्विसेज में UPSC और UPPSC दो, उसमें थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन वहाँ भी इतना नहीं, उसके लिए मैं अलग से स्ट्रेटेजी लेके आऊँगा। इस वीडियो में इतना मैं बताऊँगा, रणनीति कहीं ज़्यादा, इंटेलिजेंस कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आपके नॉलेज के साथ साथ, नॉलेज थोड़ा 19 भी रहेगा तो भी चलेगा, रणनीति ज़्यादा ज़रूरी। कैसे, तो एक बार हम लोग देखते हैं, एक एक मैं कट ऑफ लेके आया हूँ। ये पूरा आपका सिलेबस है, सिलेबस आप सभी को पता होगा, जो बच्चे अभी देने जा रहे हैं उनको मैं बस इतना बता दूं कि इसमें जो आपका पेपर होता है, ताकि कट ऑफ आप थोड़ा सा समझ पाओगे, जो प्रीलिम्स होता है ये क्वालिफाइंग होता है, GS जो होता है 140 मार्क्स का होता है और 60 मार्क्स का क्या होता है, हिंदी होता है। ये GS हो गया, ये हिंदी हो गया, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा। इसमें केवल 6 टॉपिक होती हैं और इसमें आपकी बाकी जैसे पेपर होते हैं उनमें सारे टॉपिक GS में होती हैं, लेकिन ये क्वालिफाइंग होता है। मेन होता है मेंस, मेन होता है मेंस, और मेंस में आपका 120 प्लस 160 प्लस 120 का पैटर्न होता है, टोटल 400 नंबर का होता है। और सबसे अच्छी बात है, जो कट ऑफ में आपको डिस्कस करने आया हो ना, यकीन मानो इस 400 में से ऐसे भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिनके 165 नंबर रहे हैं, वो भी सेलेक्ट हो गए हैं। तो 400 में 165 नंबर, और ऐसा नहीं कि कितना कम जाता है, 400 में जो बच्चे नंबर पाते हैं वो 300 भी पाते हैं, 400 में 300 नंबर भी पाने वाले बच्चे हैं, लेकिन सिलेक्शन 165 पे हो जाता है, इसलिए बता रहा हूँ। इसमें बस आपको बता दूँ, ये 120 जो होता है ये GS होता है आपका, सिमिलरली जैसे यहाँ पे GS होता है वैसे होता है। 160 आपका इसमें हिंदी, हिंदी आपके 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, बाकी आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं, और बाकी 120 क्या होता है, निबंध होता है। निबंध का ध्यान देना, यहाँ पे निबंध जो होता है वो केवल और केवल क्या होता है, हिंदी माध्यम में होता है, अंग्रेजी माध्यम वालों थोड़ा सा दूर यहाँ पे रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि निबंध में आप इसे लिख नहीं सकते, थोड़ा सा प्रयास करोगे तो लिख लोगे, सब कुछ मैं बताऊँगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में बताऊँगा, अभी जो आपको मैं दिखाने आया हूँ वो दिखाने। 2010 का मेरे पास प्रारंभिक परीक्षा का तो बच्चों वो नहीं था, कट ऑफ मुझे मिल नहीं पाया, मैंने बहुत रिसर्च किया, बट जो 2000, क्योंकि बहुत साल भी हो गए तब इतना डेटा मिलते नहीं थे, लेकिन अगर आप देखो तो ये 400 में से ही बात कर रहा हूँ। अगर समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग, एक समय था पहले लोक सेवा आयोग का ज़्यादा जाता था और सचिवालय का कम जाता था, लेकिन अगर आप 2013-14 के बाद से देखोगे ना, तो अचानक से जो सचिवालय उनके कट ऑफ ज़्यादा जाने लगे और लोक सेवा आयोग के कम जाने लगे, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। सचिवालय का एक अलग से रुतबा धीरे धीरे बढ़ता चला गया, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी ना प्रीलिम्स में ना मेंस में, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए अब नेगेटिव होता है, उसको मैं बताऊंगा। बट 2010 में आप देखो तो 2010 में समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग जो था इसका 287, ये था अनारक्षित का जो हाईएस्ट नंबर पाया था, जो बच्चा हाईएस्ट पाया था उसका 287 था, और लास्ट बच्चा जो सिलेक्टेड हुआ था 285 आउट ऑफ 400 में।
और इसमें उसके बाद सहायक का ही देख लो, क्योंकि इससे बाकी सब कम है, सचिवालय भी इससे कम ही होंगे। तो एक एक चीज आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, जो सहायक समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग के थे वो मिनिमम जो कट ऑफ गया था वो 252 गया था। मतलब अगर 400 में देखा जाए तो 150 नंबर का रिलैक्सेशन है, और अगर तीनों पार्ट को देखा जाए तो 120, 160, 120 में अगर हम 30, 30, 40, 40 नंबर भी कम करते हैं, मतलब कि निबंध 120 में से अगर आप 70, 80 पाते हो तो भी चलेगा। अगर आप हिंदी में, हालांकि हिंदी वाले पार्ट में नंबर अच्छे उठते हैं, उसमें जो सारे बच्चों के नंबर उठते हैं जिनके भी थोड़े बहुत लेखन शैली अच्छी होती है, नंबर उठ जाते हैं। उस 160 में बच्चे 130, 30 नंबर उठाते हैं, जीएस में भी आपके नंबर उठ जाते हैं, बट मैं फिर भी कहता हूँ 120 में से अगर आपके 80, 90 होते हैं तो भी आप इस कट ऑफ पे, और तब निगेटिव नहीं होता था, ये हाईएस्ट है, इतना नहीं जाएगा। या आप देखो बाकी जो तब क्या होता था, अलग अलग होते थे, जैसे राजस्व परिषद में अलग होता था, लेखा का अभी भी अलग होता है, और मलेरिया अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अलग अलग पद निकलते थे तब, अब क्या हो गए हैं, ये सारे मिक्स हो गए हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो 2013 के कट ऑफ की बात किया जाए प्रीलिम्स का, ये 148 है, दिखने में आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, ये आउट ऑफ 200 है, आउट ऑफ 200 में 148 बहुत नंबर होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पे कि 200 में 148 इसलिए ज़्यादा गया था क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग तब नहीं था। निगेटिव मार्किंग सबसे पहले वर्ष 2016 का पेपर जब पुनः परीक्षा हुई 2016 वाली, तब उसे निगेटिव मार्किंग इसमें इंसर्ट कर दिया गया। इससे पहले के पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं था, और निगेटिव मार्किंग आने के बाद अचानक से 148 से लेके एक सीधा 121, 122 पे कट ऑफ आके गिरा। मतलब आप बोल सकते हो कि 30 नंबर तुरंत नीचे कट ऑफ आ गया अप्रॉक्स में, 28 से 30 नंबर, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है नीचे आने का। दूसरी बात, 148 नॉन निगेटिव में तब इतने इसलिए भी ज़्यादा जाता था क्योंकि हिंदी के स्कोर हमेशा अच्छे उठते हैं। 60 में एक जो अच्छा ठीक ठाक बच्चा होता है वो 55 प्लस स्कोर करता है 60 में, ठीक है, और अगर एवरेज बच्चा या अंग्रेजी माध्यम का बच्चा या हिंदी जिसकी अच्छी नहीं है उसके भी 60 में करीबन 48 से 50 के बीच में थोड़ी सी मेहनत करके लाए जा सकते हैं। और इस कारण से क्या होता है, 60 में ये नंबर 90% जो अप्रॉक्स करता है, टोटल वेटेज बढ़ा देता है, टोटल आपका स्कोर बढ़ा देता है। वहीं अगर आप पीसीएस वगैरह में देखोगे तो जो कट ऑफ लगती है वो आपकी 90 क्वेश्चन, 92 क्वेश्चन इस पे लगती है, 150 क्वेश्चन में से। यहां पे भी 140, 150 में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन 120, 122, 125 नेगेटिव के बाद भी लगती है। उसका कारण ये आपका क्या होता है, हिंदी होता है, ठीक है। तो हिंदी स्कोर बूस्टिंग होता है, जो बच्चे नई तैयारी करना स्टार्ट कर रहे उनको मैं एक सलाह देना चाहूंगा, ये हिंट देना चाहूंगा कि यहां से आप नंबर स्कोर कर सकते हो। और जीएस में भी अभी मैं अभी बातों बातों में बता दूंगा किस पोजीशन को आप पढ़ोगे और आपका नंबर आसानी से आ जाएगा, ताकि ये जो आपके अगले महीने वैकेंसी आ रही है इन सब में आप फॉर्म भर के और अच्छा खासा सिलेक्शन भी ले सको। अगर कॉन्फिडेंस, सब कुछ आपको कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस अगर आ गया तो ये भक्ति आपकी है, समझ लो ये पद आपका है। और समीक्षा अधिकारी का पद अपने आप में बहुत बड़ा पद होता है, ये बात मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, ये बात आप जैसे जैसे बड़े होगे, जैसे जैसे सुनोगे या सुने होगे तो आपको उससे पता चल जाएगा। महिला का 132 अंक था, ये प्रारंभिक परीक्षा का बता रहा हूं। ओबीसी 148 था, अनुसूचित जाति 121 और जनजाति का 117 था। अभी हम मेंस की बात करें तो 2013 की मुख्य परीक्षा में फिर से अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं था। दूसरी बात, 2013 की मुख्य परीक्षा की बात है, उस समय कंपटीशन भी इतना नहीं होता था, बट पेपर का लेवल और हर चीज़ देखा जाए फैक्चुअल बेस पे ज़्यादा पूछता था, और कट ऑफ इस समय सबसे ज़्यादा गया था। एक चीज़ मैं और बता दूँ, कट ऑफ डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पे, तो 2013 में कुछ वैकेंसीज भी कम थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे 400 में से 308 हाईएस्ट था, 283 जो गया था, 200 यहाँ पे आपको क्लियर दिख ना रहा हो तो 283 में बता दूँ, 283 किसका गया था, समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय का, और यहीं से सचिवालय के कट ऑफ हाई ज़्यादा जाने लगे थे। समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग के भी 283 बराबर ही गया था लगभग, और सहायक समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग के एक भी पद नहीं था, जबकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे सहायक लेखाकार जो थे उनके 282 गया था। तो ये 2010 और 2013 और 2015 तक देखोगे तो आप जो समीक्षा अधिकारी थे और सहायक समीक्षा अधिकारी थे उनके नंबर में ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे आप 2015 के ऊपर आओगे अचानक से ही आपको क्या दिखेगा कि 2000 मतलब जो सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं और समीक्षा अधिकारी होते हैं उनके कट ऑफ में, मेंस के कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा अंतर। प्रारंभिक तो मैं तो उतना फर्क नहीं पड़ता, बट मेंस में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और इसका एक मुख्य कारण जो था वो ओ लेवल परीक्षा थी, ओ लेवल सर्टिफिकेट था, ये भी आप थोड़ा दिमाग में रखते हुए चलना, ठीक है। महिलाओं का कट ऑफ हमेशा कम जाता है, अगर कोई महिलाएं देख रही हो हमेशा 8-10 नंबर कम ही जाता है, कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। तब ये ग्रुप वाइज होते थे, जैसे लेखाकार का अलग ग्रुप बनता था और निरीक्षक विधिक माप विज्ञान बाट वाला जो होता था उनका अलग बनता था, और सभी लोग लगभग 265, 270, मतलब अगर मैं बोलूँ कि
जो आपका 2013 था, यहाँ पे 400 में से 270 कट ऑफ जाता था। और यहीं पे अगर आप आगे बात आओगे 2014 की मुख्य परीक्षा में, 13 के बाद जस्ट 14 में आओगे, तो यहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। 289 आपका कितना था अनारक्षित का था, समीक्षा अधिकारी का था, उत्तर प्रदेश सचिवालय का। और अगर आप देखोगे महिला का, आप यहाँ पे देख सकते हो 280 आठ नौ नंबर का फर्क है, वही मैं आपसे बोल रहा हूँ। उसके बाद सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश जो सचिवालय है, मतलब कि एआरओ का जो था 177 था। आप एक चीज यहां से नोटिस करने का प्रयास करना, 289 सचिवालय में गया है सहायक, सॉरी समीक्षा अधिकारी का आरओ का, मतलब जो आरओ का कट ऑफ है वो 289 गया है। और अगर देखा जाए तो लगभग ये 300 है 400 के अप्रॉक्स में, बहुत बड़ा नंबर होता है, लगभग 75% से 75% के आसपास। जबकि आप सहायक समीक्षा अधिकारी में देखोगे 177, आप अंतर देख रहे होगे मोर देन 100 नंबर, 110 नंबर का लगभग फर्क है, 110 नंबर का, और 110 नंबर बहुत बड़ा फर्क होता है। तो ऐसे बच्चे जो ओ लेवल के समकक्ष जिनके पास डिग्री है, या फिर जिनकी टाइपिंग अच्छी है, और अब तो पहले क्या होता था केवल कृतदेव करते थे, अब यूनिकोड में भी होने लगेगा, मंगल में भी हो सकता है, इस बार एलिजिबल हो जाए, नोटिफिकेशन आने दीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस बन रहा है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इतना अंतर, और अब ये ट्रेंड लगातार चलता चला आ रहा है। हाँ, ये बात हो सकती है कि इस बार फिर से शायद समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी में ज़्यादा अंतर ना है, फिर भी मैं अभी आपसे बता रहा हूँ, देख लीजिएगा मिनिमम 50 से 60 नंबर का और ज़्यादा ही नंबर का अंतर हो सकता है। 50 से 60 मेरा अनुमान है, और ज़्यादा हो जाएगा ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है, अंतर का। तो ठीक है, उसके बाद देखा जाए समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग का, इनका भी 288 गया था। जबकि अगर देखा जाए समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग तीसरा जो ये लेखा वाला पार्ट रहा होगा 288, और अगर इसमें देखा जाए वक्फ निरीक्षक का जो अल्पसंख्यक कल्याण में थे, इनमें क्या था अनारक्षित का 287 था। तो अगर आप देखोगे तो आरओ का जो है वो 400 में से 287, 283, 282, मतलब 280 प्लस के रेंज में है, 280 प्लस के रेंज में आपका क्या आता है मुख्य परीक्षा में। प्रारंभिक परीक्षा में आगे मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे 2016 यहाँ पे बात करो, ये रिसेंट एग्जाम जो हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, 2016 जाके 2019 में आपका हुआ था, ठीक है, री एग्जाम इसका हुआ था, तो ये चीज़ आप समझते हुए चलना। और इसमें निगेटिव मार्किंग आ गई थी, यहाँ पे विदाउट लिखा हुआ है, बट यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आ गई थी। और जैसे ही निगेटिव मार्किंग आई, आप देख रहे होगे 2013-10 में 148 144 कट ऑफ जाता था, यहाँ पे 129 कट ऑफ गया है, मतलब लगभग 20 नंबर से 25 नंबर का फर्क आ गया है, और ये बहुत बहुत बड़ा फर्क होता है, इस चीज़ को समझिएगा। उसके बाद ओबीसी का, ये ऐसा सेगमेंट था, इस बार ओबीसी का क्या हो गया था, कट ऑफ ज़्यादा हो गया था, जनरली होता नहीं है बट इस बार हो गया था किन्हीं कारणों से। बाकी महिला का देखोगे तो 122 ही गया था, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 117-102 गया था। यहीं पे अगर हम ये बात करें कि जो ग्रुप टू था, ठीक है, ग्रुप टू यानी कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा का, तो लेखा वालों का कितना कम गया था, जहां पे एक का 121/129 गया है, दूसरे में लेखा वालों का जो अकाउंटेंसी वाले होते हैं उनका केवल 93 गया था। तो यहाँ पे कारण भी था इसमें, क्योंकि वैकेंसीज लेखा वालों की थोड़ी सी ज़्यादा थी, और दूसरी बात यह है कि लेखा वाले में बच्चे हमेशा कम मिलते हैं, तो लेखा वालों का कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। और ये प्रीलिम्स का बता रहा हूँ, 100 मतलब 200 नंबर में 93 क्वेश्चन केवल कट ऑफ, और नंबर जुड़ना नहीं है, बस आपको जस्ट पास होना है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने का प्रयास करेगा। इससे सहायक समीक्षा अधिकारी का देखा जाए तो अब देखो 127 आपका एआरओ का है, और यहाँ पे देखो आरओ का 129 है, मतलब आरओ और एआरओ का अगर मैं एक साथ लिख दूँ तो 129 127 इसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। इसका कारण भी यही था कि टाइपिंग इतना समय मिल गया था कि टाइपिंग वगैरह बच्चे क्या कर लिए थे, सीख लिए थे, जिसके कारण से ये बहुत क्लोज आ गया था 2016 के पेपर में। बट फिर से दोबारा नहीं होगा, इतना क्लोज नहीं आएगा, 40-50 का फिर से फर्क आएगा, ये बात समझते हुए चलिएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके मेंस का देखो तो अभी जो हाल ही में आया है, मेंस में भी इसका क्या गया था 2016 वाले में 278 हाईएस्ट गया था, और यहाँ पे मेंस में कट ऑफ अब नीचे आया, जहाँ पे आप पहले देख रहे थे 283 288 था, जैसे निगेटिव मार्किंग आया मेंस में कहाँ पे गया 257 गया, और ये अनारक्षित का है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात किसका है, समीक्षा अधिकारी का है। तीसरी बात आप ये भी देखना कि सचिवालय का है जिसका सबसे ज़्यादा जाता है, इसके नीचे वाले लोक सेवा आयोग का हो गया, या फिर आपका कहीं और का हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं राजस्व
परिषद में होता है, तो इन सब की कम जाती है और करीबन 10-10, 8-8 नंबर का फर्क होता है और ये बहुत बहुत अच्छी बात है। महिला का देखा जाए तो 246 ही गया था, 400 में से 246 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप तरीके से पढ़ लोगे तो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत आसान है, ऐसा सोच के चलो कि मैं बिना पढ़े चला जाऊँ, तो भाई आप एक ऐसी परीक्षा देने जा रहे हो जो आपकी कन्वेंशनल टाइप की है, पारंपरिक तरीके से, जिसमें आपको लिखना है, जिसमें आपके पास शब्दावलियाँ होनी चाहिए, जिसमें आपके पास ज्ञान भी होना चाहिए, आपकी लिखने की शैली भी होनी चाहिए, अपना आपका अपना व्यक्तित्व भी होना चाहिए, इन सब चीज़ों से मिलकर ही स्कोर आता है। ये नहीं है कि आप अभी कल के पढ़ने के लिए निकले और टसन में हो, उसके बाद गए पेपर दे और आपका स्कोर आ गया, नहीं, उनके लिए आसान नहीं है। लेकिन जो मेहनत करने वाला बच्चा है, जो लगातार जुड़ा है, उसके लिए कठिन नहीं है, वो थोड़ी सी अगर तरीके से मेहनत कर लेगा तो इसमें सिलेक्शन आराम से हो सकता है। समीक्षा अधिकारी अगर लेखा की बात किया जाए तो यहाँ पे 217 ही गया था, देखो अकाउंटेंस वाले का, और 400 में 217 नंबर, यार मेंस में यही से इसी के बिहाफ पे आपको क्वालिफाई करना है। इसके बाद आपको केवल समीक्षा अधिकारी में तो आपको टाइपिंग भी नहीं करना है, दूसरी बात आपको इंटरव्यू नहीं करना है, केवल आपको वेरिफिकेशन करवाना है और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे चयन हो जाएगा और फिर बहुत अच्छी ग्रेड पी के साथ नौकरी और बहुत अच्छा पैसा भी है। उसके बाद लेखा में देखा जाए तो लेखा में समीक्षा अधिकारी का 217 ही के आसपास गया था, समीक्षा अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी का अगर देखा जाए तो 255 यहाँ पे, क्योंकि पद कम थे इसलिए ज़्यादा था। कई बार पद एक ही दो होगा तो क्या करेगा भाई, पद उसके लिए तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर कट ऑफ क्या हो जाती है, ज़्यादा चली जाती है। समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अगर देखा जाए तो यहाँ पे 256 था, ठीक, लोक सेवा आयोग का। सचिवालय का देखा जाए, सहायक सब, अब यहाँ पे यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि 2016 वाले में अगर देखो तो 165 नंबर पे बच्चा क्या किया है, एआरओ में सिलेक्शन लिया, अब 400 नंबर में 165 नंबर बहुत कम होते, बहुत कम। और इसका फैक्टर भी आपको बता दूँ, पहला फैक्टर निगेटिव आ गया, दूसरा फैक्टर क्या, बहुत बाद में, पर 2016 की परीक्षा 2019 में हुई, हालांकि ये वाला फैक्टर इतना भी नहीं था क्योंकि सारे बच्चे उस समय एलिजिबल थे और बच्चा 2-3 साल सिविल सर्विस में तैयारी करता ही रहता है तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, तो उस फैक्टर को थोड़ा सा कम करेंगे। ज़्यादा फैक्टर क्या था, निगेटिव मार्किंग, ठीक है, ये याद होगा, और बहुत सारे बच्चे देने ही नहीं गए थे तो इस कारण से इतना कम हुआ था। और ये आपको बताता है, ये रिसेंट का है, अभी इसके बाद जो आएगा आप 2021 वाले का मेंस का आएगा कट ऑफ, वहाँ पर भी आप देखिएगा 50-60 नंबर का फर्क होगा 70 नंबर का, और उसके बाद इस वाले में थोड़ा सा वो कम अंतर, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो उस पर लगाम लगेगी, लेकिन फिर भी 50-55 नंबर से कम नहीं रहेगा, इससे ज़्यादा ही कट ऑफ में अंतर रहेगा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में, ठीक है। तो ये बात आप समझना कि जो मैं आपको दिखा दिया हूँ, बाकी 2017 के प्रीलिम्स का कट ऑफ देख लो, ये भी 122 गया था। मैं आपको बता दूँ 2016 वाला का कितना गया था निगेटिव के साथ, 129, और इसका कितना गया है, 122 गया है, जो आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ से भी कम आया था। पेपर का स्तर थोड़ा सा अच्छा बढ़ा था, इस कारण से 7-8 नंबर कम हुआ था। और अब जो देखा जाए मेंस का, देखा जाए 2017 वाले मेंस का तो 278 गया था, कोई बहुत ज़्यादा 283-288 गए थे, वहाँ तक भी देखा जाए तो 2017 वाले में अनारक्षित का 278 था, और ये कई बार पेपर के उस पर भी डिपेंड कर जाता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज पर भी डिपेंड, महिला का 268 ही था। इसके बाद लोक सेवा आयोग का देखा जाए 277 ही था, समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद का देखा जाए 278 था, लगभग सब सेम ही सेम थे। समीक्षा अधिकारी हिंदी उत्तर प्रदेश सचिवालय का देखा जाए 269, जो स्पेशल भाषा उर्दू वाले होते हैं इनके भी क्या होते हैं कई बार कम चले जाते हैं, ठीक है, अगर वैकेंसीज ठीक ठाक होती हैं तो। अगर लेखा का देखा जाए समीक्षा अधिकारी का तो 228 फिर से था। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर 60% नंबर ले आते हो तो बहुत अच्छी तरीके से क्या हो सकता है आपका। और यहाँ पे भी आप देखो सचिवालय का ही 2017 वाले में भी जब बाकी कट ऑफ आई थे तो इनके 216 ही गए हैं, तो ये आपको बताता है कि जो कट ऑफ है वो काफ़ी क्या है, काफ़ी कम रहता है। 2021 का भी कट ऑफ प्रीलिम्स का आया नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें अनुमान लगाया जा रहा है जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जो बच्चे मेंस किए थे, उनमें से 125 से 128 के बीच में ही बच्चे हुए हैं सेलेक्ट हुए, तो ये भी उसी के रेंज में है। और अब जो आपका आएगा वो वर्ष 2023 का आएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि वर्ष 2023 में क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म थोड़ा ज़्यादा पड़ेंगे संकच्छता के कारण, दूसरी बात इसका पेपर का लेवल बाकी डिपेंड करेगा कट ऑफ क्या हो सकता है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड लेके चला जाए तो 125 के इर्द गिर्द घूमेगा, प्लस माइनस आप 5 कर लो या 7 कर लो, जो भी आपको लगे, माइनस पे तो नहीं जाएगा, लेकिन 125 से 130 के रेंज में मान के चलो कि आपका कट ऑफ जाएगा। और 125 से 130 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं होता है क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, जिसमें से आपका 60 क्वेश्चन केवल हिंदी है, 60 क्वेश्चन हिंदी और हिंदी के केवल 6 टॉपिक हैं, हिंदी में केवल 6 टॉपिक हैं, जैसे आपका क्या हो गया, मुहावरा हो गया, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, अनेगाथी शब्द हो गए, यही सब आपके जो टॉपिक मिलके 6 टॉपिक मिलते हैं और ये आसान होते हैं, इनमें नंबर उठाना आसान होता है। लेकिन आपको कुछ किताबें जैसे पी एन पांडे हो गई,
है ना, हरिद्वारी हो गई, ये सारी किताबें आपको कुछ, आपको पूर्वलोकन हो गए, पूर्वलोकन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप केवल पूर्वलोकन कर ले जाओगे तो इतना मैं गारंटी से कह रहा हूँ, कोई अंग्रेजी माध्यम का बच्चा भी केवल पूर्वलोकन अच्छे से पढ़ ले, 2-3 बार पढ़ ले, मतलब जितना प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसे मैक्सिमम रटा हो, तो उसका स्कोर कम से कम 48 से 50, 48 ना ज़्यादा करो, अतिशयोक्ति करो तो 45, ये मतलब केवल एक पूर्वलोकन के दम पे इतना आपका हो सकता है। घटना चक्र के पूर्वलोकन ले आओ और आप हिंदी के सारे, जैसे बहुत सारी वैकेंसीज में हिंदी पूछता है, UPSC मेंस वगैरह में पूछता है, प्रीलिम्स में भी हिंदी पूछता है, RO/RO में तो पूछता ही है, खंड शिक्षा अधिकारी में पूछता है UPSC के द्वारा, और भी कुछ अन्य राज्यों के होते हैं, तो उन सबको आप करो, और उन सबको अगर आप कर लोगे तो 45 से ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा, ये मैं आउट ऑफ 60 बोल रहा हूँ। दूसरे बात, आपके पास कितना आता है, 120 नंबर आपकी प्रारंभिक परीक्षा में GS में होता है, और GS में भी अगर देखा जाए तो आप दो टाइप के बच्चे, जैसे स्कोर क्या करना है, अगर आपके पास यहाँ पे 45 से 50 आ जाते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि 125 अगर कट ऑफ जाता है तो 80 नंबर ही तो चाहिए आपको 120 में, 120 में 80 नंबर मैक्सिमम कंडीशन है, और वैसे आप 45 में आपका सिलेक्शन होगा नहीं। अगर आपका हिंदी में 45 है, इसका मतलब कि आप हिंदी के कमजोर बच्चे हो, ये तो मैं एक बता रहा हूँ, केवल एक किताब पढ़ के इतना मिनिमम नंबर लाया जा सकता है। अगर आप थोड़ा PN पढ़ने आते हो बारी और उसमें बार बार अभ्यास कर लेते हो, थोड़े अच्छी जगह से पढ़ लेते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी ये स्कोर कम से कम 55 तक जाएगा, और ये 55 का ही स्कोर अच्छा स्कोर माना जाता है, तो आपको ये 55 के नियरेस्ट रहना पड़ेगा ताकि GS में आपको कम से कम लाना पड़े, मतलब आपका यहाँ पे 70 से 72 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाए तो आपका क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अगर इतना कर 70 से 72 इतना सही होगा, 55 यहाँ पे सही होगा, तो नो डाउट कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, फिर मेंस के लिए मैं आपको अलग से तो स्ट्रेटेजी बताऊंगा ही बताऊंगा। अब 70 72 लाना भी चले, बहुत सारे लोगों को सोचते हैं कि अरे यार ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं ले आऊँगा। नो डाउट जब आप करने बैठते हो तो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दो टाइप के बच्चे होते हैं, समझना, दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक क्या होते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड वाले होते हैं, मैथ्स बैकग्राउंड वाले होते हैं, ठीक है मैं टेक्निकल बोलूँगा, टेक्निकल बैकग्राउंड वाले होते हैं, जैसे BSc वाले हो गए, BTech वाले हो गए, ये जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले, एक क्या होते हैं आर्ट बैकग्राउंड वाले होते हैं, जिनका इतिहास अच्छा होता है, राज्य व्यवस्था अच्छी होती है, अर्थव्यवस्था थोड़ी अच्छी होती है, तो जो टेक्निकल वाले हैं इनमें क्या होता है सेगमेंट, आप देखो टेक्निकल वालों के लिए जैसे 15 क्वेश्चन आपका रीजनिंग लगभग पूछा जाता है, 15 क्वेश्चन आपका साइंस लगभग पूछा जाता है, ठीक है ऐसे ही 15 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर्स, ये तो दोनों के लिए मस्ट है, ठीक है ना, 15 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स यहाँ से बल्क जो क्वेश्चन है, और अगर मैं ज्योग्राफी इन्वायरमेंट और कृषि, मतलब सबको ज्योग्राफी में सम्मिलित करूँ तो कम से कम नहीं तो 25 से 30 क्वेश्चन आपका ये कवर करता है, ये आपके 4 मेजर है, और इसके अतिरिक्त एक आप और पढ़ो कम से कम यूपी, 10 से 12 क्वेश्चन यूपी, अगर ये 5 पोर्शन आपका स्ट्रांग होता है तो आप कैलकुलेट कर लो, 15 3 45 45 5 50 20 50 20 70 10 80 80 80 प्लस क्वेश्चन में आप कर रहे हो, और आप टेक्निकल वाले बच्चे ना अभी आप इतिहास पढ़े हो, ना अभी आप अर्थव्यवस्था पढ़े हो, और ना ही आप राज्य व्यवस्था पढ़े हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना सब है, क्योंकि कई बार इतने बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि आपका क्या होता है कि लगता है कि यार ये हमसे गलत हो गया, और उसका भी तरीका, इनमें आप जो टेक्निकल वाले बच्चे हो अगर आप इनमें ज़्यादा मेहनत कर लो, इनमें आप पूर्वलोकन भी अच्छे से पढ़ लो, और इनमें अपनी टेक्स्ट बुक भी अच्छे से पढ़ लो, क्लासेस भी अच्छे से कर लो, तो आपके इस पोर्शन से आपके अच्छे सिलेक्शन हो सकते हैं। दूसरे जो नॉन टेक वाले होते हैं, जैसे उसमें अगर देखा जाए आर्ट साइड वाले होते हैं, उनके उनके लिए क्या है वो भी एक बार देखते हुए चले, उनके लिए जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के कम से कम 22 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिटी है हमेशा 9 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑन एवरेज ही पूछा ही जाता है, इकोनॉमिक्स का वेटेज थोड़ा सा कम होता है, ज्योग्राफी आपको भी पहले तो मैं करंट लिख दूंगा क्योंकि करंट आपको भी पढ़ना है, ठीक है जो करंट मैं इधर लिख रहा हूँ लगभग 15 क्वेश्चन करंट आपका यहाँ पे भी कवर होगा, उसके बाद आपको ज्योग्राफी छोड़ना नहीं है क्योंकि ये आपका कोर है, नहीं ज्योग्राफी हो रहा है तो आप आर्ट साइड वाले में कृषि और पर्यावरण अच्छे से कवर कर सकते हो, और ज्योग्राफी में जो स्टैटिक पार्ट है वो कवर कर सकते हो, मतलब यहाँ पे 25 से 30 में आप 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, अगर इतना इतना पोर्शन आपका हो जाता है तो आप वैसे जोड़ लो 25 25 50 50 और 15 65 65 10 75 80 आप भी पहुंच गए, मतलब केवल आपको 4 पोर्शन में 75 80 कवर कर ले रहे हो, ये बच्चे 5 करके कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बाकी आप छोड़ दोगे, बाकी भी आप करोगे, बट इन पोर्शन को आप अलग अलग जिस कैटेगरी में हो उस कैटेगरी से आप रणनीति के साथ तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपका प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी। बच्चे क्या करते हैं सब पढ़ने में लगते हैं, अब देखो अगर आप इस सेगमेंट के हो तो आप इसको किससे पढ़ना है, पूर्वलोकन भी करना है, आपको टेक्स्ट बुक भी पढ़ना है, आपको
टेक्स्ट बुक अंदर से जो भी किताब आप फॉलो करते आ रहे हो, जैसे ज्योग्राफी का महेश बड़वाल से पढ़ रहे हो, या एम लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हो पॉलिटी का, या फिर आप माजिद हुसैन पढ़ लो। हालांकि इसमें आर ओ में माजिद हुसैन हुसैन वाली किताब जरूरत नहीं है, आप केवल बड़वाल किताब अच्छे से पढ़ लो, बाकी परीक्षा प्लस के नोट्स अच्छे से पढ़ लो। ये दोनों चीज़ केवल आप पढ़ लेते हो तो आपको तीसरी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना केवल पढ़ लो। प्रारंभिक परीक्षा बहुत आराम से हो जाएगी क्योंकि इसमें आपको मेंस डिस्क्रिप्टिव होता नहीं है, तो आपको माजिद हुसैन और एम लक्ष्मीकांत पे मत जाओ। मेरा सलाह है कि आप स्ट्रिक्टली बड़वाल की बुकों पे, जो एनसीईआरटी सार वाली किताबें निकाले ना इनके, महेश बड़वाल, इन किताबों पे सारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों बच्चे इस पे स्ट्रिक्टली रहोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप केवल इतनी किताब कर लेते हो, नो डाउट कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन मैं ही बोला कि ना, जो आपका पोर्शन है इसमें आप बड़वाल भी पढ़ लो, आप परीक्षा प्लस के नोट्स भी पढ़ लो, आप पूर्वलोकन भी कर लो, और जो आपका सेगमेंट नहीं है, जैसे आर साइड वालों का टेक्निकल सेगमेंट नहीं है, तो आप केवल पूर्वलोकन कर लो, बाकी सेगमेंट का आप टेक्निकल वाले हो आप इसका केवल पूर्वलोकन कर लो। निश्चित रूप से इधर से अगर आप इतने में 80 करते हो तो इधर से बाकी के जो आपके 60 क्वेश्चन है कम से कम 20 से 25 30 क्वेश्चन इधर खींच लाओगे, जो इधर गलत होगा उसकी भरपाई ये कर देगा, पूर्वलोकन कर देगा। ऐसे आप इसे स्ट्रांग करो, यहाँ पे जो गलत होंगे उसका पूर्वलोकन इधर आपकी भरपाई कर देगा, और निश्चित रूप से आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सिलेक्शन दोनों में हो जाओगे। इतना केवल कर लेने से आपके 80 85 90 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कटने पिटने के बाद निगेटिव बाद सही हो जाएंगे। तो कट ऑफ आप देख रहे हो कि कट ऑफ का ट्रेंड क्या हो रहा है, कहां 148 जाता था, कहां 122 125 पे आके गिरा है। नो डाउट इधर अगर पैटर्न देखा जाए तो यूपी के भी क्वेश्चन, सेंसस के भी, इसमें सेंसस में दोनों जगह छोड़ दिया हो, जबकि सेंसस के 7-8 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, उन्हें आप कवर कर सकते हो। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। परीक्षा आपकी बहुत जल्द, इसका विज्ञापन आने वाला है। मैं इतना बता दूं कि जो विज्ञापन आने का महीना तो मैं नहीं बताऊंगा इतना क्लियरली, है ना, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, बट अगर मैं परीक्षा की तिथि बता दूं तो सितंबर से अक्टूबर में आपकी परीक्षा हो जानी है प्रारंभिक वाले, और 3 महीने में आपका मेंस हो जाना है, मतलब कि अगले जनवरी तक, और फिर उसके अगले 3 महीने में आपका रिजल्ट आ जाना है, वेरिफिकेशन वगैरह टाइपिंग वगैरह होके आप अगले जून, मतलब कम से कम ये जो पूरी प्रक्रिया होती है वो 18 महीने की होती है आपको ज्वाइनिंग करने में, तो अब से लेके आपके 18 महीने में कम से कम, नहीं तो 18 से 20 महीने में आप ज्वाइन कर लोगे अगर तरीके से चलोगे तो। बाकी आपको पढ़ना कहाँ है क्या है वो सारी चीज़ें आपको बताया हूँ। परीक्षा प्लस खुद ही इतने मिनिमम फीस में आपका कोर्स करा रही है, इसमें सारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसमें सारे स्टडी मटेरियल हैं, इसमें सारे प्रैक्टिस टेस्ट हैं, डाउट सेशन है, सब कुछ आपको बहुत विधिवत तरीके से दिया जा रहा है। 1 जून से इसमें आपकी हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, वो भी आप तरीके से अच्छे से, पत्र लेखन वगैरह हो गया, इन सारी चीज़ें हो गई तो वो भी आपका, हालांकि प्रीलिम्स में आपका पत्र लेखन तो जरूरत नहीं है, पहले आप प्रीलिम्स कवर करोगे तो पत्र लेखन नहीं पढ़ना है, लेकिन विलोम हो गया, इन सब हो गया, तो आपकी जो प्रैक्टिस होंगी वो आपका चालू हो जाएगा 1 जून से। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिला होगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए, कॉन्फिडेंस ही बूस्ट करना सब कुछ है। आरओ यारो परीक्षा एक आप लोगों, एक जो मध्यस्थ लोगों में, जैसे एक वनडे वाले बच्चे होते हैं सिविल वाले, वनडे से सिविल की तरफ मूव कर रहे होते हैं, पहला पड़ाव आरओ यारो होता है, और अगर इसमें आप सफल हो गए तो निश्चित रूप से जिंदगी आपकी, फिर आप आगे भी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होता है कि आप फिर पीसीएस परीक्षा भी निकाल सकते हो। तो इसमें आप एक बार अपनी तैयारी को जारी रखो, जो बच्चे पहले से ही लगे हुए हैं वो लगे रहें। हाँ एक चीज़ है कि आप ये इसका इंतजार मत करो कि विज्ञापन आ जाएगा तब मैं तैयारी करूँगा, वरना आप बहुत पीछे चले जाओगे, क्योंकि कोई रुका नहीं है, यहाँ पे हर व्यक्ति गलाकार प्रतियोगिता है, हर व्यक्ति दूसरे की जगह लेके ही आगे बढ़ेगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।